हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। पिछले एक साल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जी हाँ, एक ही वीडियो में हम आपको सारे करंट अफेयर देंगे। बहुत अच्छा है, इसमें कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हो जाए। अगर एक वीडियो में नहीं होता तो दो वीडियो में आपको पूरा करंट अफेयर्स एक साल का हम अलग अलग टॉपिक वाइज कराएंगे। चलिए टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं बिना टाइम लिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक, पहला टॉपिक आपका रहेगा नवीनतम नियुक्तियाँ, उसके बाद पुरस्कार, खेल पुरस्कार, रैमन मैक्सेसे, भारत रत्न, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, लोकसभा चुनाव, राज्य सरकार योजनाएं, केंद्र सरकार योजनाएं, समिट से जीतने हुए हैं, सम्मेलन, नवी बुक्स नवीनतम रहेंगी, महत्वपूर्ण दिवस रहेंगे, सूचकांक रहेंगे, आम बजट रहेगा और ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। तो ये सारे टॉपिक, उसके बाद जीआई टैक्स रहेगा आपका, सभी अवार्ड्स रहेंगे जो कि प्रधानमंत्री जी को मिले हैं, नए राज्यपाल नियुक्ति, चंद्रयान दो, चर्चित मुद्दे, सारे टॉपिक इसमें जितने भी होंगे कवर रहेंगे। उसके बाद विविध भी कवर करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर एक से शुरुआत करते हैं हम। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष वीके यादव बने हैं। ये वीके यादव अश्विनी लोहानी का स्थान लिया इन्होंने, इससे पहले अश्विनी लोहानी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। प्रश्न नंबर दो, ट्राई के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के नए चेयरमैन रामसेवक शर्मा को नियुक्त किया गया है। ट्राई का फुल फॉर्म होगा होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए प्रश्न नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं। भारत के आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के गवर्नर बनने से पहले शक्तिकांत दास फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1835 को, इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए प्रश्न नंबर चार की ओर बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष मुश्ताक अहमद हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र पाल सिंह को FTII के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FTII का फुल फॉर्म होगा आपका फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1960 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर छः की ओर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय सुनील अरोड़ा जी हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर सात की ओर बढ़ते हैं। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यूपीएससी के नए चेयरमैन अरविंद सक्सेना जी बने हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को नई दिल्ली में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर आठ की बात करते हैं। हाल ही में नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह बने हैं। करमवीर सिंह नए नौसेना प्रमुख होंगे। नेवी की स्थापना आपकी 1612 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 4 सितंबर को प्रत्येक वर्ष नेवी डे मनाया जाता है, नौसेना दिवस। बीएसएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक वीके जौहरी हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के नटराजन को बनाया गया है। इसकी ICG इसकी स्थापना इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में हो, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो इसका वयम रक्षामः संस्कृत में। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो SSB के नए महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र जी बने हैं। SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तथा इसका जो मोटो है वो सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड।
चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बिम्स्टेक का मुख्यालय भी ढाका में है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई बने हैं, याद रखिएगा, जो कि दीपक मिश्रा का स्थान लेंगे। रंजन गोगोई 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के नए अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी बने हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना DRDO की 1958 में नई दिल्ली में हुई थी। उसका मोटो है बलस मूलम विज्ञानम। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसरो के नए चेयरमैन के सिवान को नियुक्त किया गया है। इसरो के नए चेयरमैन के सिवान हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को बंगलुरु में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। असम का स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो असम के स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास को नियुक्त किया गया है। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। हिमा दास इस समय एडिडास की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और इसके मुख्यमंत्री असम के सर्बानंद सोनोवाल हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष पुनः कौन बनाए गए हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार बनाए गए हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति जुजाना कैपिटोवा बनी है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रिटिश लावा है। इसकी मुद्रा यूरो है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव को नियुक्त किया गया है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC इसका फुल फॉर्म है और आपका 12 अक्टूबर 2005 को CIC की स्थापना यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना हुई थी। फिर नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? तो हाल ही में मुख्य सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रहण्यम बने हैं। खास हाल ही में पेश किया गया आम बजट कृष्णमूर्ति सुब्रहण्यम के द्वारा ही तैयार किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार INS फिर कौन बने हैं? तो INS यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बनाया गया है। INS का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। स्थापना 19 नवंबर 1998 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 22 है, रॉ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रॉ के नए अध्यक्ष सामंत कुमार गोयल बने हैं। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अनिल दसमाना IPS बैच ऑफ 1984। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। IB के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो IB के नए अध्यक्ष अरविंद कुमार हैं। IB का फुल फॉर्म इंटेलिजेंट ब्यूरो है। इसकी स्थापना 1887 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। NWC नेशनल कमेटी फॉर वुमेन इसका फुल फॉर्म है और 31 जनवरी 1992 को इसका अधिनियम इसकी स्थापना हुई थी और 1990 में अधिनियम पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लोकसभा के नए अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला हैं। ओम प्रकाश बिरला जो है राजस्थान के कोटा से लोकसभा सांसद हैं। लोकसभा का आर्टिकल 81 में गठन का प्रावधान है। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के महासचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? तो लोकसभा के महासचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया जो कि स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव मध्य प्रदेश की IAS ऑफिसर हैं। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति कहलाते हैं जो कि इस समय वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। आर्टिकल 80 संविधान के अनुच्छेद 80 में
राज्यसभा का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 28 की ओर, राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के सदस्य हैं। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, आर्टिकल 80 का प्रोविजन है संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो YC मोदी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक बने हैं। NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बार के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो बार के नए निदेशक अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया है। बार का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1994 को हुई थी। संस्थापक होमी जहांगीर भाभा हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, तो प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्यकांत त्रिपाठी बने हैं। इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं, सिडबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सिडबी के अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। सिडबू की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। चलिए प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो नए वित्त सचिव राजीव कुमार बने हैं। वित्त सचिव वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर, हाल ही में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ये सदस्य हैं। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर, हाल ही में विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश सचिव विजय केशव गोखले को नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय का गठन 16 अप्रैल 1948 को हुआ था। प्रश्न नंबर 36, नए विदेश मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो नए विदेश मंत्री एस जयशंकर को बनाया गया है। एस जयशंकर ये राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। इससे पहले 2015 से 18 तक विदेश सचिव के रूप में इन्होंने काम किया है। चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के नए निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला बने हैं। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 38 की ओर, हाल ही में पावर ग्रिड के अध्यक्ष और CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कांदी कुप्पा श्रीकांत को पावर ग्रिड के अध्यक्ष और CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। पावर ग्रिड की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को, इसका मुख्यालय हरियाणा गुड़गांव में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, IMF की मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी हैं? तो भारत की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को IMF के मुख्य अर्थशास्त्री बनाई गई हैं। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में ब्रिटेन सम्मेलन के दौरान हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। प्रश्न नंबर 40, IMF के नए MD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो IMF के नए MD डेविड लिप्टन नियुक्त किए गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में येस बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो येस बैंक के नए अध्यक्ष रवनीत गिल बने हैं। येस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर स्टाइल एक्सपर्टाइज। चलिए प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष डेविड मालपास बने हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 19 जुलाई 1944 को वाशिंगटन DC में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नई CFO को कौन नियुक्त किया गया है? तो अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक की नई CFO नियुक्त किया गया है। अंशुला कांत इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की MD थी। चलिए प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के CEO कौन बनाए गए हैं? तो वर्ल्ड बैंक के CEO क्रिस्टीना जॉर्जिया को बनाया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं, तो केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड CERC के नए सदस्य कौन बने हैं? तो इंदी शेखर झा केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड CERC के नए सदस्य बने हैं। CERC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसकी स्थापना 1998 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? तो सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री इमरान खान राष्ट्रपति आरिफ अली हैं।
प्रश्न नंबर 47 के एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो अश्विनी लोहानी को एयर इंडिया के नए सीएमडी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। एयर इंडिया की स्थापना 1930 में मुंबई में हुई थी, लेकिन अब इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 48, बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन हैं? तो बीसीसीआई के पहले लोकपाल CDK जैन हैं, जो कि भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली मुंबई में हुई थी। इसके अध्यक्ष CK खन्ना हैं। चलिए प्रश्न नंबर 49, मिजोरम के पहले लोकायुक्त कौन बने हैं? तो मिजोरम के पहले लोकायुक्त सी लाल सावता बने हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री जोर मथंगा हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। यह असम के राज्यपाल हैं, लेकिन इनके पास केस राजशेखर के इस्तीफा देने के बाद मिजोरम का अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया दिया गया था इनको। चलिए प्रश्न नंबर 50, गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 51, ICC के नए CEO कौन है? तो ICC के नए CEO मनु साहनी हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना 1909 को मुख्यालय दुबई में हुई थी। प्रश्न नंबर 52, इंडोनेशिया के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इंडोनेशिया के दोबारा राष्ट्रपति जोको विडोडो बने हैं, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब राजधानी बदलने का प्रस्ताव चल रहा है। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 53, अमित शाह के निजी सचिव कौन बने हैं? तो अमित शाह के निजी सचिव साकेत कुमार बने हैं। अमित शाह वर्तमान में गृहमंत्री हैं, जो कि गुजरात के गांधीनगर से हैं, लोकसभा सांसद नियुक्त हुए हैं। 54 है प्रश्न नंबर, भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? अजय कुमार भल्ला भारत के नए गृह सचिव हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं। निर्वाचन क्षेत्र गुजरात के गांधीनगर हैं। चलिए प्रश्न नंबर 55, भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो भारत के नए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो इंडियन क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंडियन क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष राहुल द्रविड़ को चुना गया है। राहुल द्रविड़ को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पांचवें भारतीय हैं। प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के कोच के रूप में दोबारा नियुक्त रवि शास्त्री को किया गया है। टीम इंडिया के बल्लेबाज कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच के रूप में विक्रम राठौर को नियुक्त किया गया है। BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई। चलिए प्रश्न नंबर 59, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच WC रमन है। LIC के नए अध्यक्ष के रूप में MR कुमार को नियुक्त किया गया है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को, इसका मुख्यालय मुंबई में है। टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। चलिए अब अवार्ड की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न पर पहला प्रश्न है, हाल ही में मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड से 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो मैन बुकर ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड जोका अलर्थी से को सम्मानित किया गया है। यह ओमान की लेखिका हैं। बुक सेलेस्टियल बॉडीज है। प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किसे प्रीतजकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में प्रीतजकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2019 आराता इसुजाकी को सम्मानित किया गया है। एक जापानी वास्तुकार हैं और शहरी डिजाइनर हैं। प्रश्न नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया? तो ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड दिव्या कर्नाट को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर दिव्या कर्नाट की परियोजना इंसेन फिश ने भारत के कोरोमंडल तट पर लुप्त प्राय शार्क के अवांछित उपचयन को सफलतापूर्वक कम कर दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को मटेरियल रिसर्च के लिए सबसे पहले शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर CNR राव को वो मटेरियल रिसर्च के लिए शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 65, भारत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किसे ग्लिट्समैन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो मलाला यूसुफ जई को ग्लिट्समैन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। मलाला यूसुफ जई पाकिस्तान की नागरिक हैं,
वह अभी तक सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। चलिए प्रश्न नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। एबल पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया? तो एबल पुरस्कार करेन करेन उहलेन बेक को सम्मानित किया गया है। यह गणित मैथ में फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है। इसकी शुरुआत 2003 में नॉर्वे में हुई थी। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एबल पुरस्कार करेन उहलेनबेक को सम्मानित किया गया है, जिसे कि गणित का नोबेल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67, हाल ही में किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो एलिस्टर कुक इंग्लैंड के बैट्समैन है जिन्हें कि नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक है जिन्हें पिछले वर्ष क्रिकेट से संन्यास लिया है। चलिए प्रश्न नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने साउथ गोल्डन जुबली चैलेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में सुरेश प्रभु को साउथ गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जुड़े हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किसे बोडले पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो बोडले पुरस्कार 2019 से अमर सेन को सम्मानित किया गया। अमर सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक है जिन्होंने 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रश्न नंबर 70, हाल ही में फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 71, हाल ही में कर्नाट पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री हैं उन्हें कर्नाट पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र है। प्रश्न नंबर 72, हाल ही में पहला महावीर अहिंसा पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो विंग कमांडर अभिनंदन को पहला महावीर अहिंसा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर अभिनंदन 15 अगस्त को मौके के पे इनको वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महिला फुटबॉल रत्न 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में पहला फुटबॉल रत्न सुनील छेत्री को सम्मानित किया गया। फुटबॉल रत्न यह दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 74, हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति, नाना देशमुख देश के भारत के एक समाजसेवी और भूपेन हजारिका असम के गीतकार संगीतकार एवं गायक, तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसकी स्थापना भारत रत्न की 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 75, हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो तीजन बाई को हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तीजन बाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की पंडवानी लोक गीत नाट की पहली महिला कलाकार हैं। चलिए प्रश्न नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो गौतम गंभीर भूतपूर्व क्रिकेटर, प्रभु सेवा कोरियोग्राफर, कादर खान अभिनेता मरणोपरांत, इन सभी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। प्रथम भारत रत्न है, दूसरा है पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर और चौथा पद्मश्री है। हाल ही में 91 ऑस्कर अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ग्रीन बुक ने जीता है। तो 91 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ग्रीन बुक ने जीता है। प्रश्न नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। तो 91 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड ऑस्कर जीता है। यह ऑस्कर अवार्ड सिनेमा में सर्वोच्च उपलब्धि ऑस्कर अवार्ड सिनेमा में सर्वोच्च उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 79, 64वां फिल्म फेयर अवार्ड से किसने जीता है? तो राजी फिल्म है जो कि बेस्ट एक्ट्रेस, यहाँ पे आप देखेंगे तो राजी फिल्म की जो आपकी एक्ट्रेस थी जिन्हें की जो कि आपकी आलिया भट्ट है, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। चलिए प्रश्न नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। तो 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को मिला है। यह संजू मूवी के लिए दिया गया। डायरेक्टर संजू राजकुमार हिरानी इसके डायरेक्टर हैं। 64वें फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो आलिया भट्ट को दिया गया। इन अवार्ड राजी मूवी के लिए दिया गया है। राजी मूवी के जो डायरेक्टर हैं मेघना गुलजार हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 21 मार्च
इसकी स्थापना 21 मार्च 1954 में हुई थी। प्रश्न नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट फिल्म ड्रामा में किसने अवार्ड जीता? तो बोहीमियन रेपी सीडो, जो कि 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड जीता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की स्थापना 1944 में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 83 की ओर, हाल ही में 61वें ग्रैमी अवार्ड 2019 से सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम का अवार्ड दिया गया है, तो कार्डी बी को सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम का अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना 4 मई 1969 को हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में किस कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिनको कि सर्वश्रेष्ठ पीकॉक गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। एको के फाउंडर जो हैं आपके वरुण दुआ हैं, जिनका मुख्यालय नई मुंबई में है। प्रश्न नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में किसे उत्कृष्ट महिला पत्रकार चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो प्रियंका दुबे को बेस्ट पुरस्कार चमेली देवी जैन से सम्मानित किया गया। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। प्रथम विजेता नीरजा चौधरी। 86 प्रश्न नंबर, हाल ही में किसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया? तो सिद्धार्थ लाल को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, जो कि सीईओ हैं आपके ईचर मोटर्स के आपके सीईओ हैं। चलिए प्रश्न नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में 28वें व्यास सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो लीलाधर जगूड़ी को 28वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है व्यास सम्मान, लीलाधर जगूड़ी, जितने लोग उतने प्रेम के लिए सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 88, हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याहोई सासाकावा को आपका गांधी शांति पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया। कारण है कुष्ठ उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। प्रश्न नंबर 89 है, मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो जी सतीश रेड्डी को मिसाइल सिस्टम ऑफ अवार्ड से 2019 से सम्मानित किया गया, जो कि चेयरमैन है डीआरडीओ के। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 1958 में नई दिल्ली में हुई थी। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश, हाल ही में तमिलनाडु ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार 2019 जीता है। याद रखिएगा, तमिलनाडु ने जीता। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2019 किस फिल्म को मिला है? तो रोमा फिल्म को बाफ्टा अवार्ड 2019 मिला है। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। चलिए प्रश्न नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश में है, यह होलकारों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और राज्यपाल आपके लालजी दास टंडन हैं। चलिए प्रश्न नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो रामनाथ कोविंद को सर्वोच्च क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टॉमिस्लो के से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में नेपाल की नर्तकी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, उसका नाम है वंदना। इन्होंने कुल 126 घंटे लगातार डांस करके यह खिताब जीता। तो याद रखिएगा, वंदना नाम है, जो कि नेपाल की निवासिनी है। प्रश्न नंबर 95, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो वालोन तथा क्योसोओ को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1991 से यह पत्रकारों की सुरक्षा के लिए समिति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 96, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो के शिवा रेड्डी को सरस्वती सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया। इनकी बुक है पक्की ओती गिलते है। सरस्वती सम्मान 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 97, हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अजीम प्रेम जी विप्रो के अध्यक्ष तथा अजय बंका जो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, दोनों को वो ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
कारण भारत अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अवार्ड दिया गया है। प्रश्न नंबर 98 है, हाल ही में अशोक चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लांस नायक नज़ीर अहमद को अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र पुरस्कार की स्थापना 1952 में हुई थी। प्रश्न नंबर 99, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो अब्दुल अजीज मोहम्मद को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 100, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? तो सुमन राजो की राजस्थान की हैं ये, इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। फेमिना मिस इंडिया जो है सौंदर्य प्रतियोगिता है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अब स्पोर्ट्स अवार्ड की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सीट बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो विराट कोहली को सीट बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। सीट जो कि सीट का फुल फॉर्म है कवि इलेक्ट्रिसी ई एफिनियो टोरिनो, इसकी स्थापना 1954 में ट्यूरिन इटली में हुई थी। मुख्यालय वर्ली मुंबई भारत में है। चलिए प्रश्न नंबर 102 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में सीट बेस्ट इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड चेतेश्वर पुजारा को दिया गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 103, सीट के बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रोहित शर्मा को बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर से सम्मानित किया गया है। ये रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के उपकप्तान हैं, भारतीय वनडे क्रिकेट के उपकप्तान हैं, आईपीएल में इंडियंस मुंबई की तरफ से खेलते हैं। 104 नंबर है, सीट सर्वश्रेष्ठ T20 इंटरनेशनल गेंदबाज किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ T20 इंटरनेशनल गेंदबाज राशिद खान को चुना गया है, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और यह अफगानिस्तान के तीनों क्रिकेटर के तीनों प्रारूप के कैप्टन भी हैं तथा सबसे कम उम्र में कप्तान बनने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं। चलिए प्रश्न नंबर 105 की ओर बढ़ते हैं। तो सीट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो सीट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर को से स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया। हाल ही में संपन्न हुए ICC वर्ल्ड कप में गोल्डन बैट का अवार्ड किसे मिला? तो गोल्डन बैट का अवार्ड रोहित शर्मा को मिला है। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में, मुख्यालय दुबई में और CEO मनु सहनी भारतीय मूल के निवासी हैं। 107 की ओर बढ़ते हैं। तो ICC वर्ल्ड कप 2019 में गोल्डन बॉल का खिताब किसने जीता? तो मिशेल स्टार्क जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने गोल्डन बॉल का खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 108 की ओर। ICC वर्ल्ड कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? केन विलियम्सन ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है, या न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। चलिए प्रश्न नंबर 109 की ओर बढ़ते हैं। तो IPL 2019 का खिताब किसने जीता? तो IPL 2019 का खिताब मुंबई ने चेन्नई को हरा के जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 110 की ओर। IPL 2019 में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? तो IPL 2019 में मैन ऑफ द मैच का खिताब जसप्रीत बुमराह ने जीता है। चलिए प्रश्न नंबर 111 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 111 की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं IPL 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसने जीता? तो IPL 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब आंद्रे रसेल ने जीता। चलिए प्रश्न नंबर 112 की ओर बढ़ते हैं। तो IPL 2019 में पर्पल कैप का अवार्ड इमरान ताहिर ने 26 विकेट लेकर जीता। IPL 2019 में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता? तो डेविड वार्नर ने 612 रन बना के यह खिताब जीता। IPL 2017 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता? तो शुभमंगन गिल ने यह खिताब जीता। प्रश्न नंबर 115 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो एलिस्टर कुक ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें कि नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 116, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये 6वें खिलाड़ी हैं। बिशन सिंह बेदी, इनसे पहले कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 117 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो गौतम गंभीर, बजरंग पूनिया, सुनील छेत्री को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदाक्रम में यह चौथा पुरस्कार है। 1954 में यह
इसकी स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 118, हाल ही में संपन्न हुई FIH मेन सीरीज का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। इसका फाइनल उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। चलिए प्रश्न नंबर 119 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुई FIH वुमेन सीरीज का खिताब किसने जीता? तो भारत ने अपने यह खिताब जीता। वुमेन सीरीज भी भारत ने जीती, फाइनल में जापान को हराकर। FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। स्थापना 1924 में, मुख्यालय लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 120 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में संपन्न हुए वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा? तो जेट ट्रम्प्स स्नूकर चैंपियनशिप में विजेता रहे हैं। प्रश्न नंबर 121 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुए पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो सौरभ कोठरी ही आपके इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। प्रश्न नंबर 122 की ओर, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो नवोमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 की विजेता हैं। साल में चार टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन या हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 123 की ओर बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवान जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में नोवान जोकोविच पहले स्थान पर हैं, यह सर्बिया के खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 124, फ्रेंच ओपन 2019 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो एसले बार्टी ये महिला एकल खिताब 2019 जीता। फ्रेंच ओपन साल का दूसरा टेनिस टूर्नामेंट होता है, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यह क्ले कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 2019 के विजेता कौन है? तो राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 126 की ओर बढ़ते हैं। विंबलडन ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सिमोना हालेप रोमानिया की, जो कि प्लेयर हैं, उन्होंने विंबलडन ओपन जीता। यह साल का चौथा टेनिस टूर्नामेंट है, या ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 127 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विंबलडन ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब नोवान जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने जीता है। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 128, हाल ही में संपन्न हुए फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है? तो हाल ही में संपन्न हुए फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का विजेता अमेरिका रहा है। प्रश्न नंबर 129, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2019 में गोल्डन बाल का किसने खिताब जीता? तो मेगर रेपिनोई USA के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड अपने नाम किया है। प्रश्न नंबर 130 है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2019 में गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसने जीता? तो सैरीवोन नीदरलैंड्स के हैं, जिन्हें कि यह अवार्ड मिला। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप में अमेरिका ने नीदरलैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। प्रश्न नंबर 131 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पहला फुटबॉल रत्न 2019 में सुनील छेत्री को सम्मानित किया गया, या फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 132, जनवरी 2019 में संपन्न हॉफमैन कप 2019 किसने जीता? स्विट्जरलैंड जीता। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। चलिए प्रश्न नंबर 133 की ओर बढ़ते हैं। किसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी और जीत लिया है? तो लुका माड्रिक ने इसे जीता है। चलिए प्रश्न नंबर 134 की ओर बढ़ते हैं। तो वो किस महिला फुटबॉल ने फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी और जीत लिया है? तो हेजनबर्ग ने यह जीता है। बैलोन डे और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। चलिए प्रश्न नंबर 135 की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2019 में खेलो इंडिया में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो खेलो इंडिया महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। यह खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण था, इसका उद्घाटन खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया था। प्रश्न नंबर 136 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में VSF स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? तो पाकिस्तान ने जीता। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। प्रश्न नंबर 137, लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 किसने जीता? नोवान जोकोविच ने जीता। यह सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। लॉरेंसिया स्पोर्ट्स अवार्ड किस महिला ने जीता? तो सिमोन बाइल्स ने जीता। चलिए प्रश्न नंबर 139 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में कौन पहले स्थान पे है? तो नोवान जोकोविच पहले स्थान पे हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस। इसकी स्थापना 1972 में अध्यक्ष क्रिस को के मोड़े थे हैं।
प्रश्न नंबर 140 से हाल ही में जारी नवीनतम आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में किस खिलाड़ी को पहला रैंक हुआ। तो अब हाल ही में, अब आज की बात करें तो हाल ही में जारी नवीनतम टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजी में पहले स्थान पे इस आपके स्मिथ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं। चलिए, आईसीसी की स्थापना 1909 में दुबई में हुई थी। अब रमन मैक्सेसे अवार्ड से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। तो 2019 का प्रतिष्ठित रमन मैक्सेसे अवार्ड किसे सम्मानित किया गया। रवीश कुमार को सम्मानित किया गया जो कि एनडीटीवी के चीफ एडिटर हैं। चलिए, प्रश्न नंबर रमन मैक्सेसे अवार्ड फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैक्सेसे की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। प्रथम भारतीय विजेता विनोबा भावे हैं। प्रश्न नंबर 142, रमन मैक्सेसे प्राप्त करने वाले रवीश कुमार कौन से क्रम में भारतीय पत्रकार बने। तो ये छठवें भारतीय हैं। रवीश कुमार क्रम में छठवें पत्रकार हैं जो ओवरऑल देखा जाए तो 54 क्रम के भारतीय हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 143 की बात कर, रवीश कुमार का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ। तो रवीश कुमार का भारत के बिहार में हुआ है। बिहार की राजधानी पटना है तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। प्रश्न नंबर, रवीश कुमार किस हिंदी समाचार चैनल के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक हैं। तो एनडीटीवी के हैं। एनडीटीवी का फुल फॉर्म होता है न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1988 में नई दिल्ली में हुई थी। 145 प्रश्न नंबर, 2019 का रमन मैक्सेसे अवार्ड कुल कितने लोगों को दिया गया। तो कुल 5 लोगों को दिया गया जिनमें कि रयान के बाप हैं जो कि फिलीपींस के, किम जोंग की दक्षिण कोरिया के हैं, कोसवे विन म्यांमार के हैं, अंग खाना नीलाप जीत थाईलैंड के हैं और रवीश कुमार भारत के हैं। भारत रत्न से संबंधित है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 146 की ओर बढ़ते हैं, भारत 2019 का भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया। तो प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को, नाना देशमुख को। चलिए, प्रश्न नंबर 147 की ओर बढ़ते हैं, भारतीय महिला जिसे प्रथम बार भारत रत्न दिया गया। तो इंदिरा गांधी है जिन्हें कि सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से 1971 में सम्मानित किया गया। प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू, 15 जुलाई 1955 को चाचा नेहरू भारत रत्न के अवार्ड से नवाजे गए। उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 149 है, पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। तो सचिन तेंदुलकर जिन्हों की पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें कि भारत रत्न सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर अब तक सबसे कम उम्र में पाए जाने वाले व्यक्ति हैं भारत पाए जाने वाले। फिल्म फेयर अवार्ड की बात करते हैं। चलिए, नेशनल फिल्म अवार्ड्स क्यों दिया जाता है। भारतीय सिनेमा के सिनेमाई उपलब्धियों की उत्कृष्टता के लिए स्थापना 10 अक्टूबर 1954 को। चलिए, हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का यह कौन सा संस्करण है। तो यह 66वां संस्करण है। इस समारोह का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। प्रश्न नंबर 150 की ओर बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। तो तीन फील्डों में दिया जाता है, तीन फिल्म, अ फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। चलिए, प्रश्न नंबर 151 की ओर, हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। तो अंधाधुन को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। डायरेक्टर अंधाधुन के श्री राम राघवन हैं। चलिए, प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं, 152 की ओर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड खरवस को दिया गया। चलिए, प्रश्न नंबर 153 की ओर बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्की कौशल तथा आयुष्मान खुराना को दिया गया। विक्की कौशल को यह अवार्ड उरी फिल्म के लिए दिया गया जबकि आयुष्मान खुराना को अंधाधुन के लिए अवार्ड दिया गया। चलिए, प्रश्न नंबर 154 की ओर बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कीर्ति सुरेश को दिया गया है। फिल्म है महांती। चलिए, प्रश्न नंबर 155 की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड शिवानंद किरकिरे को दिया गया। फिल्म है चुंबक। चलिए, प्रश्न नंबर 156 की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड सुरेखा सीकरी को दिया गया। यह अवार्ड बधाई हो मूवी के लिए दिया गया। प्रश्न नंबर 157, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। आदित्य धर को उरी मूवी के लिए दिया गया। चलिए, प्रश्न नंबर 158,
हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो संजय लीला बंसाली ने जीता। प्रश्न नंबर 159 की ओर बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड उरी फिल्म में ने जीता है। उरी के डायरेक्टर आदित्य धर। प्रश्न नंबर 160 है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट एक्शन फिल्म का अवार्ड KGF ने जीता है। KGF के जो डायरेक्टर प्रशांत नील हैं। प्रश्न नंबर 161 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड PV रोहित, समित सिंह और श्रीनिवास पोलाके को पोकालो ने जीता। प्रश्न नंबर 162 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सोशल इश्यू पर फर्स्ट बेस्ट बेस्ट फिल्म पैडमैन को घोषित किया गया है। डायरेक्टर आर बल्की हैं बाल्की हैं। प्रश्न नंबर 163 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अरिजीत सिंह को दिया गया। यह अवार्ड इन्हें पद्मावत के लिए बिनते दिल के लिए प्रदान किया गया। राष्ट्रीय फिल्म 2019 में बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड कृति महेश तथा ज्योति तोमर दोनों को दिया गया। प्रश्न नंबर 165 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड हेलारो को दिया गया। हेलारो एक गुजराती फिल्म है। प्रश्न नंबर 166 बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड बधाइयों को दिया गया। बधाइयों के जो डायरेक्टर हैं अमित शर्मा है। प्रश्न नंबर 167 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया उत्तराखंड को। राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। लोकसभा चुनाव NDA दी नेशनल डेमोक्रेटिक लाइन NDA का फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। प्रश्न नंबर 168 कौन अब तक का सबसे युवा लोकसभा सांसद बन गया है? तो चंदानी मुर्मू जो कि लोकसभा के सबसे युवा सांसद हैं। चलिए प्रश्न नंबर 169 लोकसभा उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के शपथ में नवीन पटनायक ने ली है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेश जी लाल हैं। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये सब उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 170 17वीं लोकसभा में महिला उम्मीदवारों ने कितनी सीट जीती? जो 17वीं लोकसभा की बात करें तो 78 महिला उम्मीदवारों ने सीटें जीती हैं। ऐसा पहली बार हुआ किसी लोकसभा चुनाव में इतनी महिला 78 महिलाएं चुनकर आई हों। प्रश्न नंबर 171 PM मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया? तो 20 दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया। नरेंद्र मोदी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश है। चलिए प्रश्न नंबर 172 राज्यवर्धन सिंह राठौर किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो जयपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। चलिए प्रश्न नंबर 173 की ओर बढ़ते हैं। हेमा मालिनी किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं? तो वो मथुरा से चुनाव लड़ती हैं। मथुरा में ही अभी हाथियों के लिए भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल खोला गया है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 174 उर्मिला मातोंडकर किस संसदीय चुनाव से लड़ी थी? तो मुंबई दक्षिण से चुनाव लड़ी थी। प्रश्न नंबर 175 डिंपल यादव किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी? कन्नौज से लड़ी थी लेकिन इस बार वो पराजित हुई। प्रश्न नंबर 176 गौतम गंभीर किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? पूर्वी दिल्ली से इन्होंने चुनाव लड़ा था। प्रश्न नंबर 177 ओलंपिक मेडल विजेता भास्कर विजेंदर सिंह किस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? दक्षिणी दिल्ली से ही इन्होंने चुनाव लड़े थे। प्रश्न नंबर 178 है 17वीं लोकसभा चुनाव में कितने सांसद पहली बार चुने गए? तो 303 सांसद पहली बार चुने गए। प्रश्न नंबर 179 17वीं लोकसभा चुनाव में किस ने सर्वाधिक वोटों से अंतर से जीता है? तो KCR पाटिल ने सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। प्रश्न नंबर 180 17वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम वोटों से अंतर से VP सरोज ने जीता है। प्रश्न नंबर राज्य योजनाएं एवं स्टेट गवर्नर स्कीम हाल ही में कृषक बंधु योजना किस राज्य सरकार ने चालू की है? तो कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार किसानों को प्रति एकड़ जमीन पर 5,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता 2 किस्तों में दी जाएगी, रबी की फसल और खरीफ की फसल पर। साथ ही किसानों को 2 साल का एक्सीडेंटल बीमा भी प्रदान किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 182 हाल ही में कालिया योजना की शुरुआत किसने की है? तो कालिया उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। कालिया का फुल फॉर्म होगा कृषक असिस्टेंस लेवलीहुड फॉर इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम है। यह योजना कृषक बंधुओं की तरह ही
है, यहाँ किसानों को 10,000 रुपये तक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही। प्रश्न नंबर 183, हाल ही में किसान ऋण मुक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों का 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ़ किया जाएगा। प्रश्न नंबर 184 है, हाल ही में किस राज्य के सरकार ने किसानों की मदद के लिए सौर शक्ति किसान योजना प्रारंभ किया है? तो गुजरात ने हाल ही में किसानों की मदद के लिए सौर शक्ति किसान योजना का शुरुआत की है। यह सोलर सेल लगाने में मदद करेगी यह योजना। प्रश्न नंबर 185, हाल ही में इंदिरा गृह ज्योति योजना किस राज्य की सरकार ने चालू की है? तो इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने चालू की है। यह योजना संबल योजना के स्थान पर लाई गई है। उचित दाम पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए यह योजना है। प्रश्न नंबर 186 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि आशीर्वाद योजना प्रस्तावित की है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना प्रस्तावित की है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। प्रश्न नंबर 187, मीठी क्रांति का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। इस योजना का उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन में 80% सब्सिडी सरकार देगी। प्रश्न नंबर 188, हाल ही में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो तेलंगाना ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। किसानों को पानी समस्या के निवारण के लिए यह योजना का शिलान्यास किया गया है। प्रश्न नंबर 189 है, हाल ही में जैतू बंधु योजना किस राज्य सरकार ने चालू की है? तो रायतू बंधु योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। यह किसानों को 10 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। प्रश्न नंबर 190 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए जय किसान ऋण मुक्ति योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने। इसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों के ऋण माफ़ किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 191, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य में ट्री एम्बुलेंस की पहल की है? तो चेन्नई में वेंकैया नायडू ने ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। वहाँ यह तूफान गाजा के बाद फिर से हरियाली स्थापित करने के उद्देश्य इस योजना का शुभारम्भ किया गया। इसके अंतर्गत फिर से नए पेड़ उगाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 192, हाल ही में राज्य सरकार ने एक सृजन एक ट्री योजना की शुरुआत की है? तो मेघालय सरकार ने शुरू की है। इस योजना के अंदर 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। हाल ही में किसे सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल ने इस योजना की शुरुआत की है। हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 लाख पेड़ लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जगदीश धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 194, हाल ही में जल अमृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो कर्नाटक ने जल अमृत योजना शुरुआत की है। पानी के संरक्षण और पानी को दुरुपयोग से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 195, हाल ही में वन फैमिली वन जॉब योजना की शुरुआत सिक्किम सरकार ने की है। इसके अंतर्गत परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। सिक्किम जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना है। 196, हाल ही में युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश ने की है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे शहरी बेरोजगार जिनकी इनकम 2 लाख से कम है, उन्हें 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। प्रश्न नंबर 197, हाल ही में मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? उत्तराखंड में हुई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को हफ्ते में 2 दिन 100 ml दूध उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न नंबर 198 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूली बच्चों को बैग का वजन उनके वजन का 10% निर्धारित किया है? तो कर्नाटक ने हाल ही में KG1 KG2 के बच्चों के लिए नो होमवर्क योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 191 है, हाल ही में मिशन बुनियाद की शुरुआत किसने की है? तो दिल्ली सरकार ने की है। यह शिक्षा से रिलेटेड एक योजना जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। चलिए प्रश्न नंबर 200 की बात करते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। गांव को स्टार रैंकिंग देने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पहल की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 201 है, अरुंधति योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो असम राज्य ने शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गरीब युवतों की शादी करने पर सरकार 1 तोला सोना प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं असम के। चलिए प्रश्न नंबर 202 की ओर बढ़ते हैं, तो कोर्ट के फैसले को जल्दी से निपटाने के लिए किस राज्य सरकार ने जीरो डिपेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने जीरो डिपेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 203 है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने दुकानों को वित्तीय संस्थान 24/7 24x7 खुले रहने के लिए बिल पास करने की अनुमति दे दी है? गुजरात ने। गुजरात के गांधीनगर यह अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। प्रश्न नंबर 204 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कारीगर सहायता योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा ने शुरुआत की है। इसके अंतर्गत तो उड़ीसा के शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रश्न नंबर 205 है आपका, राज्य सरकार ने जीवन संपर्क योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा ने जीवन संपर्क योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा के गवर्नमेंट ने हाल ही में एमओ बस सेवा की शुरुआत की और एमओ साइकिल की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 206 है, सुनेत्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो सुनेत्र योजना की शुरुआत हाल ही में उड़ीसा राज्य ने की है। इस योजना के अंतर्गत सभी एज ग्रुप के व्यक्तियों को फ्री आई टेस्ट दिया जाएगा, साथ ही चश्मे की ज़रूरत हो तो वो भी फ्री में दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 207 है, मेघा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है। इस योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। यदि कोई स्टूडेंट बाहर रहकर पढ़ाई करता है तो उसे उसका खर्च भी हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। प्रश्न नंबर 208 है, अमा घरे LED योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो अमा घरे LED योजना उड़ीसा राज्य की योजना है। इस योजना के अंतर्गत निवासी ये लोग जो पात्र लोग हैं उन्हें फ्री में LED प्रदान किया जाएगा। प्रश्न नंबर 229 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने बेसहारा गोवंश योजना शुरुआत करने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। इस योजना के अंतर्गत आवारा गायों की देखभाल के लिए उन्हें प्रतिदिन 30 रुपये के हिसाब से पर मंथ 900 रुपये दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 210 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 15 GB डाटा मुफ्त देने की घोषणा की गई है? तो दिल्ली सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 15 GB मुफ्त डाटा देने की घोषणा की गई है। दिल्ली भारत की राजधानी है, 1911 में प्रस्तावित हुआ, 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री कर्म योगी जनधन योजना की शुरुआत जुलाई 2019 में की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक पेंशन दी जाएगी? 3,000 रुपये की आर्थिक पेंशन दी जाएगी। प्रश्न नंबर 213 की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो पीयूष गोयल द्वारा शुरुआत की गई इसकी। प्रश्न नंबर 214 की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाने की घोषणा की, यह किन दो मंत्रालय को विलय करके बनाया जाएगा? यह जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को विलय करके जल शक्ति मंत्रालय को बनाया जाएगा। चलिए प्रश्न मोदी की कुछ फेमस योजनाओं के रूप में हम शॉर्ट ट्रिक में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2 अगस्त 2014 में हुई थी, उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए। दूसरा है स्किल इंडिया की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को, उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास देने के लिए। तीसरा मेक इन इंडिया की शुरुआत 2 सितंबर 2014 को, उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। चौथा है स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को, उद्देश्य 2015 से 2020 तक 100 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करना। अब समिट्स की बात करते हैं, तो चलिए 106वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जालंधर राजस्थान में किया गया। फ्यूचर इंडिया एंड टेक्नोलॉजीज की थीम थी। प्रश्न नंबर 216 की बात करते हैं, तो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया। चीफ गेस्ट प्रवीण जगन्नाथ थे, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 217 की ओर, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 5वां बिम्स्टेक का आयोजन श्रीलंका में आयोजित किया गया। श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। चलिए प्रश्न नंबर, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रम संघे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं आपके, मैत्रीपाल सिरिसेना हैं। 7 मेंबर कंट्री हैं जो कि बिम्स्टेक के, इंडिया बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका म्यांमार भूटान थाईलैंड है। चलिए प्रश्न नंबर, इसमें पाकिस्तान नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 218, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? तो ओसाका जापान में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। G20 इट इज़ अ ग्रुप ऑफ
यूरोपीय यूनियन के 19 का प्लस 19 कंट्री हैं यहाँ पे। G20 मेज़बानी 2022 में इसकी मेज़बानी भारत करेगा। जी याद रखिएगा, 2022 में G20 की मेज़बानी भारत करेगा। 2019 में G7 शिखर का सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में हुआ है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य एक इसके समूह देश हैं। 2020 प्रश्न नंबर 220 नंबर शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक कहाँ हुई, तो बिश्बेक में हुई। शंघाई SCO इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है। शंघाई सहयोग संगठन स्थापना इसकी 26 अप्रैल 1996 को, इसकी जो मुख्यालय है चीनिंग बीजिंग में है। प्रश्न नंबर 221 ब्रिक्स 2019 का सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। इसकी जो कंट्री हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्थापना 2006 में ब्राज़ील कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है रियाल। प्रश्न नंबर 223 की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में एशियन शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया, थाईलैंड में आयोजित किया गया। एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। जकार्ता की इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। प्रश्न नंबर 224 13वां वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, हैदराबाद में। यह हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। इसका उद्घाटन उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। प्रश्न नंबर 225 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। प्रश्न नंबर 226 है 23वां बुकयान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजन कहाँ किया गया, दक्षिण कोरिया में किया गया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जे इन। दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को रेखा विभाजित करने वाली 38वीं समानांतर रेखा है। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं 227 की ओर। हाल ही में जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सार्क बैठक का आयोजन कोची में हुआ था। नोट है सार्क का सम्मेलन होते हैं यहाँ पे, मछली वाले सार्क की बात कर रहे हैं। चलिए याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 228 है हाल ही में 9वां सार्क फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, कोलंबो में आयोजित किया गया। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा चिली। कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और यहाँ पे करेंसी जो है इसकी चिलीन पेसो है जो कि चिली की है। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 230 की ओर। UNCCT COP14 का आयोजन नवंबर 2019 में कहाँ किया गया, सॉरी कहाँ आयोजित किया जाना है, तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा UNCCT COP14 का आयोजन नवंबर में कहाँ किया जाना है, तो नई दिल्ली में। UNCCT का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यहाँ पे पार्टीज 197 पार्टीज हैं, 196 राष्ट्र हैं और प्लस यूरोपीय यूनियन है। चलिए प्रश्न नंबर 231 की ओर पढ़ते हैं। 29वें राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो लंदन में हुई। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है या वित्त सचिव रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 232 मीडिया स्वतंत्रता के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। दिल्ली में भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 233 IFFI का गोल्डन जुबली समारोह कहाँ संपन्न हुआ, तो पणजी गोवा में संपन्न हुआ। IFFI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। गोवा की राजधानी पणजी है जो कि मांडवी नदी किनारे बसा है। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है, 2019 लंदन में प्रस्तावित है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। प्रश्न नंबर 235 है आपका, अगस्त 2019 में महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो अगस्त 2019 में महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन केरल में किया गया। केरल के शांत घाटी
साइलेंट वैली केरल में स्थित है। प्रश्न नंबर दो, 36 अक्टूबर 2019 में पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है जो कि राजसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। इंडिया गेट डिजाइनर एडवर्ड लुटियंस। प्रश्न नंबर 237, हाल ही में HRD मिनिस्टर ने कहाँ स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2019 फिनाले का आयोजन किया? तो दिल्ली में किया। HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक और निर्वाचन क्षेत्र इनका हरिद्वार है। चलिए प्रश्न नंबर 238, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बीच वार्ता कहाँ हुई? हनोई में हुई। याद रखिएगा हनोई वियतनाम की राजधानी है। प्रेसिडेंट हनोई के आपके निंजियन फू थ्रोंग। चलिए प्रश्न नंबर 239 की ओर बढ़ते हैं। 14वीं इस्लामिक शिखर सम्मेलन का 2019 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है और करेंसी सऊदी रियाल है। प्रश्न नंबर 240 की ओर बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया 2020 में कहाँ किया जाएगा? तो लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ नवाबों को शहर है जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है और राजनाथ सिंह का यही एरिया है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की बात कर लेते हैं। चलिए 241 प्रश्न नंबर है। वियरे डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वियरे डिस्प्लेस्ड जो है मलाला यूसुफ जई के द्वारा ली गई है। मलाला यूसुफ जी सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली पाकिस्तानी महिला हैं। हाल ही में लॉन्च की गई किताब विवेक दीपनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आदि शंकराचार्य द्वारा विवेक दीपनी लिखी गई है। लॉन्च्ड वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च की गई है। प्रश्न नंबर 243 है। विस्पर ऑफ टाइम बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखी गई है। लॉन्च्ड बाय स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री। प्रश्न नंबर 224 है। हाल ही में लॉन्च की गई गेम चेंजर किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो शाहिद अफरीदी एवं वजाहत एस खान द्वारा लिखी गई। चलिए प्रश्न नंबर 245, नो स्पिन किसके द्वारा लिखी गई? तो सुसैन वान द्वारा लिखी गई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। 281 एंड इट्स बियॉन्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो VVS लक्ष्मण द्वारा लिखी गई है। 2011 में VVS लक्ष्मण को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया। लक्ष्मण ने अपने समय की सर्वश्रेष्ठ टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गार्डन में उनके खिलाफ 281 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी जो कि इसी उसी के बेस्ट पे है। विराट द मेकिंग ऑफ ए चैम्पियन मेकिंग ऑफ अ चैम्पियन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? नीरज झा तथा विधांशु कुमार द्वारा। विराट कोहली ने ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। विराट कोहली को सीट बैट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। सीट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी विराट कोहली को चुना गया है। विलिंग लाइक अ सौरभ थिंक एंड सक्सेस लाइक गांगुली किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो अभिरूप भट्टाचार्य द्वारा। हाल ही में क्रिक जोन नाम से पहली महिला पत्रिका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो स्मृति मंधाना द्वारा किया गया। स्मृति मंधाना हाल ही में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 250 की ओर। अंडर डाउन सेविंग दी आइडिया ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? पी चिदम्बरम द्वारा लिखी गई है। बदलते भारत किताब किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन सिंह जो कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री तथा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दी रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब है। यह बुक मनमोहन सिंह की राजनीतिक जीवन के बारे में है। महाराणा प्रताप दी इनविजिबल वॉरियर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो रीमा हुजा के द्वारा लिखी गई है। यह महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध में वीरता का वर्णन है। प्रश्न नंबर 254, प्रसिद्ध इंटरनेशनल किताब मिल्कमैन किसके द्वारा लिखी गई है? एन्ना बंस द्वारा लिखी गई है। एन्ना बंस एक ब्रिटिश आयरिश लेखिका हैं। प्रश्न नंबर 255, सेलेस्टियल बॉडीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो सेलेस्टियल बॉडीज जोखा अलार्थी द्वारा लिखी गई है। इनकी किताब सेलेस्टियल बॉडीज मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2019 भी मिल चुका है इनके। चलिए प्रश्न नंबर 256, फ्लाइट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओलखा टोकार जूब द्वारा लिखी गई है। एक पोलिश लेखिका हैं। प्रश्न नंबर 257, रूल ब्रेकर्स किसके द्वारा लिखे गए हैं? रीमा होजा द्वारा लिखी गई है। एग्जाम वॉरियर्स किसकी किताब है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किताब है। ड्रीम
फ्रॉम माई फादर्स किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है। दोस्त आई डू व्हाट आई डू किसके द्वारा लिखी गई है? रघुराम राजन के द्वारा। ये आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। खूनी बैसाखी किसके द्वारा लिखी गई है? नवदीप सिंह सूरी द्वारा लिखी गई। यह बुक को जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 2019 में 100 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर लॉन्च किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था, इसलिए इस बुक का नाम खूनी बैसाखी रखा गया। प्रश्न नंबर 262, एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल तपन कुमार चंद द्वारा लिखी गई है। यह नालको के एमडी हैं, नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। प्रश्न नंबर 263, द इंग्लिश पेशेंट किसके द्वारा लिखी गई है? माइकल ओंडा टेजे द्वारा लिखी गई है। यह श्रीलंकन बॉर्न कैनेडियन पोएट, फिक्टिशियस राइटर, इजिएस्ट नॉवलिस्ट, एडिटर एंड फिल्म मेकर हैं। प्रश्न नंबर 264, हाथियों के बीच चींटी किसके द्वारा लिखी गई है? सुजाता गिदला द्वारा लिखी गई है। सुजाता गिदला इन्हें शशि भट्ट पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 265, डेमोक्रेसी ऑन द रोड रुचि शर्मा द्वारा लिखी गई या फंड मैनेजर हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 266, अयोध्या आस्था का शहर, कलह का शहर किसके द्वारा लिखी गई है? वेल सिंह द्वारा लिखी गई है। रूरल मैनिफेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? वरुण गांधी द्वारा लिखी गई है। तीसरा है फेमस बुकीज अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। माई सेडिशियस हर्ट इनकी बुक और है, माई सेडिशियस हर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ हर्ट मोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनवरी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? थीम है टू स्प्रेड द ग्रेटनेस ऑफ हिंदी। और 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थीम है चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, युवा शक्ति के राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। फरवरी में 2 फरवरी को विश्व अर्धभूम दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम है वेटलैंड क्लाइमेट चेंज, अर्धभूमि व जलवायु परिवर्तन। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा इसकी थीम है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस इसका थीम है। प्रश्न नंबर 28वां है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, साइंस थीम जो है इसकी साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस, लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान लोगों के लिए। मार्च की बात करते हैं, 3 मार्च विश्व वन्य दिवस, थीम लाइफ बिलो वाटर फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट, जल के नीचे जीवन लोगों और इस ग्रह के लिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, थीम है थिंक वेल बिल्ट स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है, इसका थीम है रिसाइकलिंग फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए पुनर्चक्रण। 20 मार्च को विश्व गैरैया दिवस, आई लव एक्सप्लोरो इसका थीम है। प्रश्न नंबर 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, थीम फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, वन और शिक्षा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई भी व्यक्ति पीछे ना रह जाए। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, इट्स टाइम, यही सही समय है इसका थीम है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, थीम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर, हर किसी को हर जगह स्वास्थ्य की सुविधा। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, थीम है रीचिंग आउट फर्स्ट स्टेप टू केयर। अगला है 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाया जाता है, रूरल लैंडस्केप इसका आपका ग्रामीण परिदृश्य इसकी थीम है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, सेव अवर स्पेसीज, हमारी प्रजातियों को बचाओ। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, थीम है जीरो मलेरिया, स्टार्ट विथ मेरे साथ, जीरो मलेरिया की शुरुआत। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी इसका थीम था। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसका थीम है लव। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, टोबैको एंड लंग्स हेल्थ। जून में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, ड्रिंक मिल्क टुडे फॉर एवरीवन, दूध पियो आज
और हर रोज। पांचवा है जून, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, बीट एयर पॉल्यूशन, प्रदूषण के खतरे को खत्म करें। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, योगा फॉर हार्ट, आयुष मंत्रालय द्वारा। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और डॉक्टर दिवस दोनों मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जिसका थीम है इन्वेस्ट दी इलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अगस्त में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। थीम है प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा डे, थीम है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 75वां राजीव गांधी का जन्म दिवस। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, हॉकी ध्यानचंद के जन्मदिन मनाया जाता है। अब चलिए इंडेक्स की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे इंडेक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे इंडेक्स की जब बात करते हैं तो देखिए क्यूएस विश्व रैंकिंग के हिसाब से छात्रों को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला बेंगलुरु भारत का पहला शहर है। 302 वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग 141 है। पहले स्थान पर आइसलैंड है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 के लिए जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो जीडीपी को 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। क्रिसिल फॉर्मरी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1987 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आशु सीएस इसके MD एंड CEO हैं। प्रश्न नंबर 304 है, CBRE के अनुसार दुनिया के 10 सबसे महंगे ऑफिस लोकेशन में भारत का कनॉट प्लेस मुंबई में स्थित है। इससे इसमें पहले स्थान पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट रखा गया है, यह हांगकांग में है। पहली बार SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 95 स्थान पर रहा है। यह सर्वे 129 देशों के बीच हुआ, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का 108वां स्थान रहा है। आइसलैंड इस स्थान पर पहले स्थान पर रहा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 41वां स्थान रहा, पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में वैश्विक रूप में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर है, MIT पहले स्थान पर है। भारत की तरफ से 3 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली तथा IIT बेंगलोर। प्रश्न नंबर 309, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, तो फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। इंडिया की रैंकिंग 140वां रही। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स याद रखिएगा, हाल ही में जारी एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 47वीं थी, स्वीडन पहले स्थान पर था। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में क्या स्थान था भारत का, तो 140वां था। इस रैंकिंग पर नॉर्वे पहले स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 36वां स्थान मिला। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 11वीं थी। 314, हाल ही में जारी फोर्ब्स मैगजीन के आंकड़ों के अनुसार भारत के टॉप 10 बैंक्स पर कौन शीर्ष में रहा, तो HDFC शीर्ष में रहा। भारत स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में कौन स्थान पहले स्थान पर रहा, तो इंदौर पहले स्थान पर रहा। हाल ही में WHO द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 15 सबसे गंदे शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा, तो कानपुर। प्रश्न नंबर 317, 2019 में जारी की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर गुड़गांव था। WEF द्वारा जारी वैश्विक सूचना संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 76वां स्थान रहा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का 80वां स्थान रहा। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक पर भारत
78वें स्थान पर रहा डेनमार्क, इसमें पहले स्थान पर रहा। ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में दुनिया की टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में भारत का मुकेश अंबानी शामिल है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। प्रश्न नंबर 322, क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो इस पे वियना पहले स्थान पर है, वियना लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2019 में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा? तो IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा। प्रश्न नंबर 324, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 77वीं थी, भारत 23 अंकों के सुधार के साथ 77वीं रैंक पर पहुंचा। दो साल पहले भारत की 130वीं रैंकिंग थी। 325, हाल ही में जारी सेफ सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो टोक्यो सेफ सिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा। यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट EIU द्वारा जारी की गई। इसकी स्थापना 1946 में लंदन में हुई। आम बजट से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हाल ही में पेश किया गया आम बजट किसके द्वारा तैयार किया गया? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा इसे तैयार किया गया। आम बजट 2019-20 के अंतर्गत वित्त मंत्री ने नारी तो नारायणी योजना लॉन्च करने का ऐलान किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नारी सशक्तिकरण। प्रश्न नंबर 328, बजट 2019-20 के तहत किस वर्ष हर घर जल योजना लागू की जाएगी? तो 2024 तक हर घर जल की योजना लागू हो जाएगी। 329, 2019-20 के आम बजट के अंतर्गत पेट्रोल डीजल पर कितने प्रतिशत लगाया गया? 1% लगाया गया। जनधन खाते वाली महिलाएं कितने रुपए तक ओवरड्राफ्ट कर सकेंगी? 5000 तक। प्रश्न नंबर 331, बचत पेश करने वाली देश की पहली महिला पूर्णकाल बजट पेश करने वाली देश की पहला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है कर्नाटक है। प्रश्न नंबर 332, आम बजट 2019-20 के अनुसार भारत में निवेश बढ़ाकर कितने ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विदेशी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थान उपलब्ध कराने के लिए आम बजट में किस योजना की घोषणा की? स्टडी इन इंडिया की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 334, हाल ही में के बजट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण के लिए कुल कितने करोड़ देने की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की गई? 70,000 करोड़। बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय किस मिशन की शुरुआत की गई? जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रश्न नंबर 336, निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए बजट भाषण के अनुसार देश में शोध बढ़ाने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। प्रश्न नंबर 337, निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2019 के अनुसार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम किस राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी? राष्ट्रीय शिक्षा खेल शिक्षा बोर्ड, खेल मंत्री किरण रिजिजू। प्रश्न नंबर 338, बजट 2019 के तहत वित्त मंत्री किस सेक्टर के लिए नया TV चैनल लॉन्च करने की घोषणा की? स्टार्टअप्स। प्रश्न नंबर 339, निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत की GDP कितनी आकी गई? 6.8%। प्रश्न नंबर 340, मोदी सरकार ने 2019 में कितने लाख रुपए के घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख की छूट दी गई? 45 लाख तक का घर खरीदने पे अतिरिक्त 1.5 लाख की छूट मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण की ने घोषणा की 400 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियों कितने फीसद कारपोरेट टैक्स देना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा 25%। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? शिफ्टिंग गियर इसकी थीम थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बलदेव कर दिया गया है। बलदेव बेटी बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, याद रखिएगा बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 344, स्वच्छ भारत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? स्वच्छ भारत का नाम बदलकर सुंदर भारत कर दिया गया है। 345, LPG के लिए दिए जाने वाले सब्सिडी का नाम बदलकर थिंक अबाउट दी सब्सिडी किया गया है।
346 है। बजट 2016 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक साल में 1 करोड़ से अधिक धनराशि अर्जित करता है तो उसके ऊपर 2% TDS लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर 347, प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा रखा गया है? 3.4% राजकोषीय घाटा का प्रावधान किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार पवन ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। प्रश्न नंबर 249, बजट 2019 के प्रस्तुत किए गए SDG के अनुसार कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? केरल पहले स्थान पर रहा है। प्रश्न नंबर 351, पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा है? तो चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। प्रश्न नंबर 351, प्रस्तुत रिपोर्ट में कितने प्रतिशत जनता को मुक्त शौच मुक्त घोषित किया गया है? 93.3% घोषित किया गया है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, तो हाल ही में मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन को नियुक्त किया गया है। मान्यवर एक पुरुष एथनिक बियर ब्रांड है। इसकी स्थापना उद्यमी रवि मोदी ने 1999 में अपनी कंपनी वेदांत फैशन के तहत की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। हाल ही में भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। कुछ समय पहले भारत पे ने निर्बाध नेटवर्किंग और व्यापार विस्तार के लिए व्यापारियों के लिए UPI बही खाता लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं 354 की ओर, हाल ही में फ़ोन पे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान हैं। संस्थापक समीर निगम है फोन पे के संस्थापक और CEO, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। BSNL की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो BSNL की ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम है। BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, प्रवीण कुमार पुरवार अध्यक्ष और MD हैं। प्रश्न नंबर 356, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम है। पूमा 1948 में स्थापित किया गया था। फाउंडर रुडोल्फ डासलर हैं। हेडक्वार्टर जर्मनी में है। हेजेन अर्च जर्मनी। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास हैं। संस्थापक एडोल्फ डासलर, मुख्यालय डार्जोंग नौराज जर्मनी। आगे रिबॉक के ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन और कैटरीना कैफ हैं। 1958 में स्थापित हुई थी ये, और बोस्टन US में इसका जो है हेडक्वार्टर है। असम राज्य की स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास हैं। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम राज्य की पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा हैं। यूनेस्को द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी हैं। ड्रीम इलेवन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। इसकी स्थापना 2008 में, संस्थापक हर्ष जैन और भावित सेठ हैं। मुख्यालय मुंबई में है। 363, टाइटन सोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी हैं। 15 अगस्त के मौके पर जम्मू कश्मीर ने के लेह में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा झंडा फहराया गया। आगे बढ़ते हैं, इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। स्थापना 2000 में पुणे महाराष्ट्र। हाल ही में हीरो मोटोकार्प ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर लियोनल मेसी को नियुक्त किया है, जो कि बार्सिलोना के खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। स्थापना 19 मई 1894, नई दिल्ली, इसका मुख्यालय MD सुनील मेहता। उबर इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली हैं। उबर की स्थापना 2009 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। अमेरिकन टूरिस्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली हैं। इसकी संस्थापना जो स्थापना है सोल कॉफलर, मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हाल ही में हिमालय फेस वॉश के जो ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली व ऋषभ पंत हैं। हिमालय ड्रग कंपनी, स्थापना 1930 बेंगलुरु। गूगल डीओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो गूगल डीओ के ब्रांड एम्बेसडर
विराट कोहली हैं। वीडियो चैट है जो कि वीडियो चैट मोबाइल ऐप है जो कि गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। टैफे के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। टैफे एक ट्रैक्टर का ब्रांड है। स्थापना 1960 में चेन्नई तमिलनाडु मुख्यालय। सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। सड़क यातायात सड़क उपयोगकर्ता में मारे जाने वाले गंभीर रूप से घायल को रोकने के लिए पहल की गई। हाल ही में मिंत्रा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो विराट कोहली अनुष्का शर्मा को मिंत्रा ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑनर जो है वॉलमार्ट है, जो पेरेंट कंपनी वो फ्लिपकार्ट है। स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा और वरुण धवन है। 15 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। विस्तारा के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण हैं। स्थापना 2013 में, संचालन शुरुआत 9 जनवरी 2015 में गुड़गांव में। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह 1 जुलाई 2016 से लागू किया गया। 1 जुलाई को जीएसटी रूप में मनाया जाता है। दरवाजा बंद के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। 30 मई 2017 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा खुले में शौच मुक्त करने के लिए अभियान लागू किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 378। हेपेटाइटिस बी के उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो अमिताभ बच्चन है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमण है जो कि यकृत पर हमला करता है। डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया। हेडक्वार्टर नोएडा में है। संजय गांधी नेशनल पार्क का ब्रांड एम्बेसडर रवीना टंडन है, महाराष्ट्र में जो कि लोकेटेड है। हाल ही में अर्बन क्लैप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन को नियुक्त किया है। अर्बन कैप इज इंडियाज लार्जेस्ट होम सर्विस मार्केट प्लेस। नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट हैं। नोकिया फिनलैंड कंपनी है। स्थापना 12 मई 1865 को। सिक्किम राज्य में ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो सिक्किम राज्य में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो AR रहमान हैं। जैविक खेती लागू करने है सिक्किम पहला राज्य है। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो रणवीर सिंह हैं। स्थापना 2 अक्टूबर 2003 को नोएडा उत्तर प्रदेश में। श्री जवाहर गोयल CMD हैं और जो अनिल दुआ हैं इसके CEO हैं। माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित हैं। स्तनपान कराने वाली संस्था माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। आगे बढ़ते हैं 386 की ओर। हाल ही में ग्रीन मणिपुर की ब्रांड एम्बेसडर वैलेंटीना इलेंज बम को नियुक्त किया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री NBIREN सिंह है। राज्यपाल नजमा हेमतुल्ला हैं। अब GI टैग की बात कर लेते हैं। GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसगोला को GI टैग प्रदान किया गया था? उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई जगन्नाथ मंदिर के पास की फेमस है। हाल ही में किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग प्रदान किया गया? महाराष्ट्र कर्नाटक की कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सिरसी सुपारी को GI टैग दिया गया तो कर्नाटक की सिरसी सुपारी को यह GI टैग दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। प्रश्न नंबर 390। हाल ही में किस राज्य की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को GI टैग प्रदान किया गया तो कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को GI टैग दिया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की कंधमाल हल्दी को GI टैग दिया गया? उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को GI टैग दिया गया। ब्लैक पैगोडा के नाम से कुड़ार कसूर मंदिर जानी जाती है। हाल ही में किस राज्य के मयूर गुट को GI टैग दिया गया तो केरल की शांत वैली स्थित है।
केरल को मरयूर गुड का जीआई टैग प्रदान किया गया है। गुड़ का पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी केरल में है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, तो रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। हाल ही में कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह मध्य प्रदेश का फेमस है। यह पूरी तरह से ब्लैक होता है। इसका खून भी लगभग ब्लैक होता है। इसकी कीमत जो है 900 से 1100 रुपये प्रति किलो है। आगे बढ़ते हैं 395 की ओर। हाल ही में बिहार के एक फेमस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। उस प्रोडक्ट का क्या नाम है? शाही लीची है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल फागू सिंह चौहान हैं। प्रश्न नंबर 396। हाल ही में कटरानी राइस को ला टैग प्रदान किया गया है। यह बिहार में पाया जाता है। अभी हाल ही में चमकी बुखार बिहार में फैला था। हाल ही में मगही पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में फेमस है? तो बिहार में यह फेमस है। कुछ समय पहले ही बिहार के राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70 फीट ऊंचे भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इरोड हल्दी का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। तमिलनाडु सरकार ने कालवी थोली बच्ची नाम से विशेष टीवी चैनल शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भागलपुरी जरदालू को ला टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य का है? यह बिहार राज्य का है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के डिंडुगुल ताला और कंडागी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु के यह जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु के पलानी के मुरुगन मंदिर प्रसादम के रूप में दिए जाने वाले प्रसिद्ध पलानी पंचतीर्थम को भौगोलिक संकेत जीआई का टैग प्रदान किया गया है। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को अवार्ड। हाल ही में किंग ऑफ जायद अवार्ड ऑफ रेनेसा से बहरीन ने नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। बहरीन की धरती पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने। हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल दिया? यूएई ने। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। करेंसी दिरहम है। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल निहाद हैं। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च सम्मान सेंट एंड्रयू अपोस्टे से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो रूस ने। रूस की राजधानी मास्को है। व्लादिमीर पुतिन दामित्री मेदवेदेव जो कि फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो 14 जनवरी 2019 को। और क्यों प्रदान किया गया? उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सियोल शांति पुरस्कार द्वारा यह सम्मानित किया जाता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड नरेंद्र मोदी को तथा इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया था। यह यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है जो कि एंटोनियो गुतेरस द्वारा प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 407 है। पिछले वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया गया? तो फिलिस्तीन द्वारा सम्मानित किया गया। कैप्टर है रामल्लाह ईस्ट जेरूसलेम। प्रश्न नंबर 408। हाल ही में किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को द मोस्ट अवेटेड ऑर्डर ऑफ पीपीएससी रूल ऑफ निजाम इजुद्दीन से सम्मानित किया गया? मालदीव। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सहरा को सम्मानित किया? तो सऊदी अरब ने। कैपिटल रियाद है। करेंसी सऊदी रियाल है। प्रेसिडेंशियल मोहम्मद बिन सलमान अब बदले गए राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को नियुक्त किया गया है। इससे पहले जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट स्कीम है मेधावी योजना। राजस्थान के नए राज्यपाल कल्याण सिंह हैं। कल्याण सिंह इससे पहले यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया जयपुर को।
प्रश्न नंबर 412 महाराष्ट्र के नए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सीएम विद्या राव सागर के राज्यपाल थे। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन से हैं? तमिलिसाई साउंड राजन। इससे पहले तेलंगाना के राज्यपाल ईएसएल नरसिंहम थे, ये तमिलनाडु। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल लालजी दास टंडन हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल अनसुईया उइके हैं। मिजोरम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद। उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। गुजरात के नए राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। नागालैंड के नए राज्यपाल आर एन रवि हैं। बिहार के नए राज्यपाल फागू सिंह चौहान हैं। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। तो ये रहे कुछ अपडेट्स। पहले पार्ट में बस इतना ही करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है। बाकी बचा हुआ जो भी करंट अफेयर्स के बाकी क्वेश्चन अभी तो बहुत हैं, अभी 424 हैं। अभी करीब 700 से 800 प्रश्न अभी बचे हुए हैं जो कि करवाना है। तो बने रहिएगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बाकी बचे हुए प्रश्नों का आंसर देने तथा क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा जिनको इसकी PDF चाहिए वो हमारे जो जीमेल है उस पर हमको मेल कर दें, jim2079195@gmail.com। याद रखिएगा jim2079195@gmail.com। बस आपको यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज कर देना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगा। तो ये रही आप डेट आप सभी के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।